हमारे इस छोटे भाई को सफर के दौरान उल्टी आ गई थी। बच्चन, अभी तो दुबई से अगर तुम्हारी फिल्म स्क्रीनिंग की इनविटेशन आ जाए तो क्या जहाज में कर पाओगे सफर? कश्ती से कर पाओगे? छोड़ो यार, ये मरीज है, यहाँ तक तुम नहीं पहुंच पाए। मुड़ सुनाई साहब, मुड़ सुनाई, भाड़ो भाड़ो। वो सामने देखो कौन आ रहा है, ये आता है, ये सामने देखो डोन आया है। डोन डोन आया है, कहाँ से आया देखे तो? क्यों बोला ये मोटरसाइकिल के बजाय ये क्यों मोटरसाइकिल के बजाय ये गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मोटरसाइकिल के बजाय ये क्यों इस्तेमाल? शौक के लिए ले आया। शौक के लिए? उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होगी ना ये? अच्छा, इंपोर्ट की भी है। तो दोस्तों, मरी से हमने नथिया गली तक का सफ़र किया, बहुत कुछ घूमे। आपने सब कुछ देखा कि हमने कौन कौन से पॉइंट घूमे हैं। हमारा प्रोग्राम था कि मरी से हम वापस पिंडी जाएं, रात को स्टे करें, और सेकंड डे को हमारे 5 बजे की टिकट्स की हुई थी ट्रेन से, तो वापसी का था प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम अचानक से तब्दील हो गया। कैसे? अपने पास से एक दोस्त ने कॉल की, बोला आप मेरे पास आ जाएं। हमने कहा नहीं, बहुत जोर लगाया कि नहीं, हम वापस पिंडी जाएंगे। लेकिन उनकी मोहब्बतों के सामने हम मजबूर हुए और चल दिए एबटाबाद की तरफ। शाम को हम यहाँ पहुँचे एबटाबाद। रात के जो मनाजर थे हमने घूमे, रिकॉर्ड नहीं किए, और अभी हम मरी चौक में हैं, मौजूद एक घर में, अपने दोस्त के घर में। ये रूम है, 12:30 बजे रात के। तो कल का प्रोग्राम हमारा जो है एबटाबाद के एक दो पॉइंट घूमने का। एक दो पॉइंट घूमने के बाद हम 2 बजे हवेलिया स्टेशन से नवाबशाह के लिए रवाना होंगे। तो अभी मेरा सोने का मूड था, सो मैंने कहा कि आपको कुछ खबरें सुनाकर बाद में सोता हूँ। तो सुबह तक हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। गुड नाइट दोस्तों। खालिद भाई की, हाँ, हमने स्टे किया था वहाँ, हमने अपने बैग रखे हैं। अभी हम मानसेरा मरी चौक से जा रहे हैं खालिद भाई की बाइक पे, 125 पे जा रहे हैं शमला हिल पॉइंट पे। तो 4 लोग हैं, तो चारों लोग बाइक पे नहीं बैठ सकते, तो एक बंदा जो है वो बैठेगा किसी गाड़ी में। हम 3 बंदे जाएंगे बाइक पे। भाई ये गरीब बंदा है, गरीब बंदा सुजुकी में जा रहा है, इसके पास अपनी गाड़ी नहीं है। अब हाँ मजा आ रहा है। हम एबटाबाद की एक बाज़ार में हैं, और आपने देखा ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से एक हॉस्पिटल थी। हम इस वक्त एबटाबाद की मेन बाज़ार में हैं, और उसकी गलियां, सड़कें, माहौल आपके सामने है। नूरदीन बाज़ार। नूरदीन बाज़ार, अच्छा, नाम पता नहीं, लेकिन ये मेन बाज़ार है इसकी। मस्जिद
अच्छा उधर से ऊपर चले जाए ना, आगे आगे मिलाएगा ना, स्कूल के पास खड़े हैं वहाँ से भी गाड़ी जाती है, वहाँ से भी गाड़ी जाती है। कोई 20-25 मिनट हमने चढ़ाई की, बहुत थक गए। खालिद भाई कह रहा है कि 2 मिनट हैं आगे, खादिम भाई कहते हैं कि थोड़ा आगे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पता चला कि बहुत दूर है। क्या इसलिए हवेलियाँ पॉइंट, हवेलिया नहीं वो शिमला पहाड़ी जो है ना पॉइंट, वहाँ जाना है हमें। तो शिमला मिर्च का नाम। तो भाई बिलाकर हमने गाड़ी पकड़ ली भाई, अल्लाह का करम हुआ, क्योंकि हमें स्टेशन पे जाना है, 2 बजे तक पहुँचना है, तो इसलिए हमें टाइम का खास ख्याल रखना था। तो अब कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों फाइनली हम कोई 20-25 मिनट का फासला तय करके थके हारे अभी पहुंचे हैं शिमला हिल। ये एबटाबाद की बहुत खूबसूरत पॉइंट है, भाई ने बताया हमें, महर साहब ने, कि बहुत अच्छी पॉइंट है। हमारा ख्याल था दूसरी पॉइंट जाने का, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हमने ये पॉइंट ही सिलेक्ट किया। महर भाई ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, आने से पहले ये सोच रहे थे कि क्या होगा वहाँ पे, ऐसी क्या चीज़ होगी। तो यहाँ का सरप्राइज हो गए कि यहाँ पूरे एबटाबाद के आसपास के मनाजर देख सकते हैं, और यहाँ की जो ये दरख्त देख रहे हैं, ये तकरीबन इसी एरिया में। रियली सच कहूँ तो यहाँ आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं जन्नत में आ गया हूँ। और छोटा आदमी बड़े ख्वाब ये है कि पैसा इतना ज़्यादा हो और यहाँ पर घर बना लें, बस और कुछ भी नहीं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर, ये अपना शिमला हिल जो है, हिल उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली चोटी से हम पूरे एबटाबाद का सैर करते हैं। आ जाए थक जी भी आओ जा ना सर, अल्लाह शुक्र सर, अहां त जवान आयो, जवान जवान फील्ड एडी में आयो जो तां थक जी कोंदा सको। दोस्तों ये हमारे खादिम भाई हैं, जिन्होंने हमें एबटाबाद का सैर करवाया, हमारी खिदमत की, हमें मोहब्बतें दी, प्यार दिया, इज्जतें दी, किसी इतनी हद तक कि मुझे घर में जैसे बिस्तर से उठता हूँ ना, मुझे चाय का कप मेरी बीवी दे जाती है। तो आज उनका किरदार जो है मार साहब ने अदा किया, घर की याद दिलाती। बहरहाल दोस्तों ने बहुत कम टाइम दिया है, अगर ये 2-3-4 दिन और मुझे दे देते, यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे व्यूज हैं, तो उनको मैं शेयर करवाता, वहाँ विजिट करवाता। हाँ यानी है यहाँ पे एबटाबाद के और काफ़ी इस तरह, हमें अगर पता होता ना कि इस तरह के का इवेंट यहाँ हमें आना है तो हम टिकट नहीं करवाते। तो काफ़ी फेमस चीज़ें हैं वो मैं हाँ। भाइयों को विजिट हाँ। करवाता हाँ। तो बहरहाल हेलो, इनका शुक्रिया कि मेरे पास आए, तशरीफ लेके आए। नहीं नहीं ये मोहब्बत है आपकी जनाब। फाइनली हम ऊपर की चोटी पे पहुंच गए, सांसें फूल रही हैं, टेम्परेचर सर्दी का जो है पड़ गया है माइनस में,
बैठने का मूड है, बैठेंगे। नहीं बैठेंगे नहीं। ये व्यू देखने के लिए हमने इतनी ज़्यादा चढ़ाई की। कितना खूबसूरत नज़ारा है एबटाबाद शहर के, तकरीबन साइड मनाजर जो हैं सारा शहर हम यहाँ देख सकते हैं। स्लिपिंग होने का बहुत बड़ा खतरा है। रिकॉर्डिंग से पहले हम दो तीन बार स्लिप हुए, क्योंकि ये आँखों का धोखा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम चलने की कोशिश करते हैं तो उसे जो है नीचे की तरफ स्लिपिंग हो जाते हैं। दोस्तों ये रास्ता जो आप मेरे पीछे बिल्कुल देख रहे हैं, ये है सीपेक। सीपेक का रास्ता जो है ये यहाँ से शुरू होता है और ग्वादर तक चला जाता है। यही रास्ता जो है चाइना बॉर्डर तक जाता है। तो हम क्रॉसिंग के वक्त हमने देखा तो मैंने कहा कि थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लें। हे कौन तो ले यार? अच्छा ये कर रहे हो इनके प्रैंक क्यों, ये को सीरियस लगो पे भाई। खादम भाई दुआ में याद कीजिएगा, सेकंड जब भी आना हो, जब तक स्लो चल रही है आप चलते रहें। मैं नंबर इनका ले लेता हूँ। अगली फिल्म जो है ना यहाँ पे बनाई, रिकॉर्ड हो रहा है, सोच समझ की बात कीजिएगा। चलो चलो ठीक हो जाए। अभी हम पहुंचे हैं बहावलपुर जंक्शन। बहावलपुर जो नवाबों का शहर कहलाया जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत रौनक है, बहुत खूबसूरत शहर है। खुदा और मोहब्बत का जो सीज़न वन था वो भी इसी स्टेशन पे उसकी शूटिंग हुई थी। तो ये मेरा पसंदीदा स्टेशन है। हम सिंध में अंदर दाखिल हो चुके हैं। हाँ सर, गला गला वाला चाचू थी यही अभी डिमांड पर लगाई लग गला। अब अरे गला ना चाहिए कौन दो कैमरा का बगे तो बता चाचू चाचू दियो तो गला है गला ये वीडियो लगा दी जाने सब रिएक्शन दिखा दे एक्शन ले मत तो लगा है बताया इसके मुख लीजिए छोटा हो गया बाद शादी कराई तो दूसरा सोचा लगा सर जी।